मैं आपको सच्चाई बताता हूँ ठीक है बरुआड़ा है इसहार जिले में ही है ठीक है वहाँ एक डकैत डॉक्टर है डॉक्टर अंतराम बरुआड़ा नाम उसका ठीक है ठीक है वो सारे दिन बुरने तय करता है शाम को सत्संग करता है यू आप, आप नाम रिवील करने लग रहे हो किसी का मतलब मना को मतलब आपने ने कल ने कोई नहीं कर परेशानी तो कोई बात नहीं इस तब ज़्यादा परेशानी और क्या देश कहीं है सच बोलूं जी मैं मैं अपने एफ आई आई की कॉपी दूंगा मेरे पास सारी एफ आई आई की कॉपी है तो उन पर कोई अभी तक एक्शन ना लिया गया क्या क्या एक्शन जे जे पी का नेता है वो इसार लोकसभा क्षेत्र से नैना चौटाला डिप्टी सी एम दुषंत चौटाला की माँ इलेक्शन लड़ रही है ठीक है वो तो एक लेडीज है लुगाई है नारी है वो तो समझ सके इस पीड़ा ने उसने आपका बुरवाड़ा में दफ्तर उसका उस कतलखाना में खोल रखा है एक माँ ओके भी वहाँ उस कतलखाना में आपका ऑफिस खोल के बैठी है और सरकार के क्या रहा है उस तीन महीने पहला भी एक प्रचादर जो है उसके ऊपर मोबाइल वैन है मोबाइल वैन मैं उस पर चाहिए उस पर ही बता रहा हूं सारी बातें आपको मैं तो कभी देखा ही नहीं कौन बंदा है सारा समाज सारी दुनिया का होती मतलब सारे रंडे का उसने मैं रंडा का भी हो पे बात कर रहा हूं कि ये कत्ल में लड़कियां मारता है उसकी मेरे पास एक एफ आई आर की कॉपी भी, अभी भी हार, हार है अभी अभी हर हर चौथे पाँच में दस दस पंद्रह दिन में एक छापा अगर लगता लगातार इस टाइप के केसेस आते हैं रोज में आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो अखबार में पढ़ते हो तो ये बंद तो, बंद नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ भाई मैंने एक है एक आर टी आई लगाई थी मैंने एक आर टी आई लगाई थी जिस दिन मोदी साहब ने हरियाणा में सबसे बड़ा मतलब एक पाखंड करने का प्रयास किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है 2014 में या 13 में 14 में, में किया होगा 14 से 24 तक का हमारे को डाटा दे दो वह कितनी पूर्णत्याएँ हुई ठीक है उन जो पूर्णत्याएं हुई उनका केसों का स्टेटस बता दो हमारे को क्या है एक भी बंदे को सजा नहीं मिली होगी एक भी बंदे को कौन कर रहा है सेटिंग स्टेटस बताने में तो कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं बताएगा आपको स्वास्थ्य विभाग में जाएगा कहीं पुलिस के पास जाओ पुलिस के पास जाओ डीजीपी के पास जाओ डी के पास करो दूसरे महकमे के पास जाओ कोई डाटा नहीं देगा या तो उनके ऊपर इतने लोगों को इन्होंने जेल में डाला रोज़ खबर छपती हैं भाई आज वो पकड़ा गया आज वो पकड़ा गया फिर वो ऐसे ही छूट जाते हैं किसी को तो सजा हुई होगी किसी का तो उस केस का कोई तो स्टेटस होएगा